सारा दिन मतलब मेहनत करते थे, वो सड़कों पर जाके खुद देखते थे काम, पर इतना पैसा लेके आए जो कि आज तक 50 सालों में कभी नहीं आया था। अगर किसी की काम करने की इच्छा होगी तो पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलता। खुद लोगों के बीच में जाते थे काम के लिए, भाई क्या करना है। जसवीर देसवाल दोबारा से एक बार फिर विधायक बने, अगर आप 2019 में लड़ते हम आपको दोबारा बनाते। पार्टी ने जसवीर देसवाल जी को धोखा दिया, पूरा हल्का में कोई 1 करोड़ रुपया भी लग गया होगा कहीं पे। हल्का का सुधार जसवीर देसवाल ही कर सकता है। सत्य खबर के सभी दर्शकों को सोनिया नैन की नमस्कार। आप सभी को पता है 7 जुलाई से जसवीर देसवाल युवा क्लब के द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, एक पद यात्रा जिसको कि जितेंद्र देसवाल नेतृत्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम भी आपको प्रॉपर लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से हर गांव में जाकर के गांव दर गांव लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रुझान आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुछ वैनिटी वैन्स जो है इस यात्रा में साथ के साथ चल रही है, बड़ा एक ट्रेंड सा बन गया इन वैनिटी वैन्स का। जहां भी आप देखेंगे जिस यात्रा में भी, ऐसी कोई यात्रा अगर आपको नजर आएगी तो उसमें ये वैन जरूर होती है। अभी फिलहाल एक गांव में रुके हुए हैं, लंच ब्रेक हुआ था और कुछ यात्री जो इस यात्रा में हमारे साथ है वो रुके हुए हैं। थोड़ा सा अनुभव इनका भी जान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गांव में जाते हैं तो वहां जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले दिन से लेकर के अभी तक इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर अनुभव की बात करें तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से, क्योंकि पहले भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले भी काफ़ी सालों से जसवीर जी के साथ जुड़े हुए हैं। वो समय था जब वो विधायक थे और आज का जो समय है जब विधायक भी बदल चुका है और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिला है कि सफीदों हलके का नक्शा भी कुछ बदल गया। चलिए कुछ खास बातचीत इन्हीं से करते हैं। विपुल जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार जी। पहले दिन से ही आपको हमने देखा है, लेकिन कोशिश आपकी यही रही है कि जितना हो सके आप कैमरे से बचे, लेकिन आज हमने आपको पकड़ ही लिया। पहले ये बताओ, आराम उरूम कर लिया, थकावट उतर गई? खाना खा लिया, आराम कर लिया जी। अच्छा, अब अनुभव बताइए, थोड़ी एनर्जी भी आप में आ गई होगी, थके हुए थे पहले। अब मुझे बताओ कि 7 से लेकर के अभी तक जो ये पद यात्रा में आप हो, कैसा अनुभव रहा? पद यात्रा ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है जी। अनुभव की बात करते हैं तो 2014 से पहले जो सफीदों था, आज 2023 में वही सफीदों दोबारा बन गया है। अच्छा। क्योंकि 2014 से 19 तक लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करवा के विधायक जी ने सरकार से पैसा लेके सभी रोड को, बिजली घरों को, स्कूल कॉलेज के काम करवाए। अब मैं 2 साल से बाहर रह रहा हूँ उज्जैन के अंदर, तो मैं अभी आया तो यहाँ घूमया और देखा मैंने तो सड़कों पे 2-2 फीट के गड्ढे हैं। आज तक जसवीर देसवाल ने जो 53 सड़कें बनवाई थी, सारा दिन मतलब मेहनत करते थे, वो सड़कों में जाके खुद देखते थे काम, जो उन्होंने सड़कें बनवाई उन पे टांकी लगाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ लोगों से मैंने पता किया विधायक जी यहाँ के क्या कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि वो तो ये बोलते हैं कि भाई मैं विपक्ष में हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जसवीर देसवाल जी भी किसी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, फिर भी उन्होंने अपना अनुभव करके, उन्होंने अपना घूम फिर के सरकार से तालमेल करके काम करवाए और इतना पैसा लेके आए जो कि आज तक 50 सालों में कभी नहीं आया था। किसी भी विधायक ने भी हरियाणा बनने के बाद आज तक इतना काम कभी नहीं करवाए थे। खाली सभी अपना घर पहले बनाते थे, जसवीर देसवाल ने घर बनाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने उनको बहुत कुछ दिया है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस हल्के के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। आज इतना दुख होता है, आँखों में पानी आता है जब देख के सड़कों की हालात जो उन्होंने बनवाई थी, उन पे कोई टांकी तक नहीं लग रही। पहले मैं जामणी से बमेवा जाता था, हमारा एक कॉलेज है रिश्तेदारों का, तो मुझे 10 मिनट लगते थे, आज 1 घंटा में जामणी से बमेवा पहुंचते हैं। इतना बुरा हाल है, गाड़ियाँ के सोकर टूट जाते हैं। यहाँ कोई ये देखने वाला विधायक को क्या दिखता नहीं क्या ये कि भाई इतने गड्ढे हुए हैं, वो जाके CM से बात करे कि वो पैसा देंगे। CM क्यों नहीं देंगे? अगर किसी की काम करने की इच्छा होगी तो पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलता। अच्छा, 2 साल बाद विपुल जी जब वापस आए तो किस उम्मीद के साथ वापस आए थे कि सफीदों हलका कैसा मिलेगा? मैं तो ये था कि कुछ ना कुछ, विधायक इतना अच्छा बनाया था तो नया विधायक ने भी काम किया होगा, कुछ और सुंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ के हालात तो बहुत बेकार हो चुके हैं और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि एक बार जसवीर देसवाल को दोबारा विधायक बना दें, ताकि कम से कम जो उन्होंने किया था उसको और अच्छा कर सकें। चलिए आगे भी जान लेते हैं। विपुल जी तो कुछ खास मुझे खुश नज़र नहीं आए विधायक जी से भी और सफीदों हलके के हालात देखकर भी। आप यहीं पर रहते हैं, आप तो देखते ही होंगे, विधायक जी से आपका भी रूबरू होना होता होगा, बाकी आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ आ रही है? देखो जी, विपुल जी जो कह रहे हैं ना, कह तो सही रह रहे हैं, इनकी नाराजगी सही है।
जब जसवीर देसवाल विधायक थे जी 2014 से 2019 के बीच, वो मतलब खुद लोगों के बीच में जाते थे काम के लिए, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन फाइलों को अपनी काख में दबा के चंडीगढ़ जाते थे, हर डिपार्टमेंट में उन काम को पास करवा के लाते थे। अब आप एक चीज़ देखो, बिजली की इतनी समस्या थी, हम तो यहीं रहते हैं, बिजली के बार बार कट लगते थे, जैसे खेतों की जब लाइट चलती है जीरी के समय में तो वो कट हो जाती थी, दो दो तीन तीन घंटे कहते थे ये ओवरलोड होगी, कट हो गया। विधायक जी ने 6 पावर हाउस मंजूर करवाए हैं जी यहाँ पे, उस दिन के बाद अगर 8 घंटे लाइट आती है, अगर कोई मेन फॉल्ट हो जाए तो बात अलग है, नहीं लोड की वजह से लाइन को कट नहीं लगता, उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। ये सिर्फ जसवीर देसवाल जी ने ही किया है, और उनके सिवाय कोई समस्या को मिटा भी नहीं सकता था, क्योंकि उनकी काम करने की नीयत थी। हम तो यही दोबारा फिर यही चाह रहे हैं जी, जसवीर देसवाल दोबारा से एक बार फिर विधायक बने और इस हल्के के जो बचे हुए काम है, लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सफीदो हलके के जो अभी ये हालात हैं, वो सिर्फ नीयत की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, नीयत की वजह से हैं, और मतलब अपने कर्म की वजह से हैं। अब ये सुभाष गांगुली हैं अभी जो मौजूदा विधायक हैं, वो एक झटके में कह देते हैं मैं तो विपक्ष का हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता जी, काम करने की नीयत होनी चाहिए। 2014 से 19 में इनेलो पार्टी का विधायक था जुलाना से परमेंद्र ढोल, उन्होंने इतने काम करवाए थे वो जे जे उस इनेलो में होते हुए भी, क्योंकि उनकी काम करवाने की नीयत थी। इनकी काम करवाने की मेरे को कोई नीयत नज़र नहीं आ रही है, बस ठीक है अपना विधायक बन गए हैं अपना, बस इसी में अपने। तो अब ये पदयात्रा क्या कहती है कि आगे अब राजनीति में क्या फिर बदलो? आगे तो देखो जिस तरह से पदयात्रा निकल रही है, लोगों के बीच हम भी जा रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं जी आपने 2019 में ही मतलब दोबारा चुनाव लड़ना था, ठीक है हमारे को आपने उसमें डाल दिया जी, ठीक है कि अगर आप 2019 में लड़ते हम आपको दोबारा बनाते तो आज हमारा हल्का कहीं कहीं कहाँ कहीं होता। लेकिन ये पिछले 5 साल उससे भी बुरे हो गए हैं जी, जो 2014 में हालात थे ना 14 से पहले, उससे भी बुरे हालात अब 2019 के बाद हो गए हैं। चलिए तो मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं भैया, इनको आपने हमारी वीडियोस में बहुत देखा होगा, जहाँ जहाँ भी जितेंद्र जी जाते हैं तो एक आवाज़ जो सबसे ज़्यादा गूंजती हुई नजर आती है वो हमारे मलिक साहब की होती है। थकान आप देख लीजिए, बेचारे थक चुके हैं, कुछ आराम मिल गया या नहीं मिला? ना कोई थकान नहीं है, बिल्कुल सही है, रेस्ट किया, थोड़ा खाना वाना खाया है और अब चलने की तैयारी है। बोले अब मुझे ये बताइए कि यात्रा में जिस तरह से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हालात देख ही रहे हो आप, सड़कें नज़र नहीं आ रही है, सड़कों से ज़्यादा गड्ढे नज़र आ रहे हैं, आपका कैसा अनुभव है? मेरा अनुभव ये है मैम कि जो चौधरी जसवीर देसवाल जी की कार्यशैली थी जी, उन्होंने अपना प्रयास करके हल्का सफेदों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था जी, लेकिन वो कार्य आगे तो बढ़ाया 5 साल, लेकिन बीच में इस पार्टी ने इतना विधायक जी को आश्वासन दिया, पार्टी में शामिल किया, सब कुछ किया जी। लेकिन पार्टी ने जसवीर देसवाल जी को धोखा दिया, ना कि जसवीर देसवाल ने पार्टी को धोखा दिया। और जैसे ही पार्टी ने ये कार्य किया जी, तो हल्का पीछे चला गया, विधायक जी बोले भाई ठीक है बना लो MLA। अब MLA पार्टी ने अपना फैसला गलत लिया, तो फैसला गलत होने की वजह से ये हल्का जेल रहा है जी। अब दोबारा फिर जसवीर देसवाल की मांग उठने लगी जी, तो अब क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में दोबारा से सफीदो हल्का जसवीर जी के साथ आएगा, कुछ सुधार फिर से होंगे? 100% मैम, 100% युवाओं को विधायक जी ने 8-9 हज़ार युवाओं को अपने प्राइवेट सेक्टर में अपने कारोबार में रोजगार दे रखा है। लोगों इस चीज़ के लिए उनके काम करने की जो शैली है, मिलने की, काम करने की, उनकी नीयत अच्छी है। जैसे हमारे ये विधायक बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं जी। सारे खड़े का, कोई सरकार का, कोई स्टेटमेंट का, कोई इंटरव्यू का, कुछ नहीं, बस पता नहीं कहाँ रहते हैं, कौन से उसमें रहते हैं। तो कभी आप लोगों ने उनसे मिलकर ये बताने की कोशिश नहीं की कि पहले देखिए कैसे हालात थे और आज आपके जो राज है उस राज में कैसे हाल है? मैम लोग जाते हैं कहते हैं कह दे मेरे तो भाई विपक्ष है मैं क्या करूँ। देखो सरपंच सरपंच होता है मैम, MLA होता है और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। अगर जिसकी नीयत ठीक होगी तो सब कुछ सही होगा, इनकी नीयत नहीं है ठीक है। देखो आपने मैम साथ साथ कई गांवों में इंटरव्यू किया है, लोगों के बीच गांव में आप देख ही रहे हैं, तो बुरा हाल हो रखा है।
और ये सब लोगों की मांग थी, जितेंद्र जी की भी मांग थी, युवाओं के बीच उनका प्यार ये वो सब कुछ, इसीलिए ये दौरा कर रहे हैं जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। जितेंद्र ढोल मेरा नाम। क्या बात है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी के साथ जुड़े हुए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम जी। अनुभव आपका कैसा रहा इस यात्रा को लेकर? यात्रा को लेकर बहुत अच्छा अनुभव है कि जैसे हम गाँव टू गाँव जा रहे शुरू से पहले दिन से लग रहे हैं, जो मतलब जनता का प्यार जो गाँव में समर्थन मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में ये टीस है कि हमने पिछले चुनाव में गलती कर ली और विधायक दूसरा बन गया तो कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो हल्का द्वारा से ये चाह रहा है जस विधायक जी द्वारा आए और हल्के का विकास कराएं। अच्छा, विकास की अगर बात करें तो कितना विकास आपको सफेदों में हुआ लगता है इस कार्यकाल में? बिल्कुल भी लगता जी, मेरे आइडिया में तो कहीं को पूरा हल्का में कोई 1 करोड़ रुपया भी लग गया होगा कहीं पे भी जी। और विधायक जी ने पिछले 650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया था, तो यहाँ तो कुछ भी लग रहा है, आप खुद देखो ना चाल के, आप तो यात्रा के साथ हैं, कहीं गड्ढे हैं इतने इतने पानी में आप भी गुजरे हैं, आपने दिखाया भी है तो कितने मतलब पानी में होकर जा रहे हैं, तो कहीं कोई विकास की कोई मतलब वो नहीं है, मतलब उस 14 के पहले वाले हालात भाई जी ने बताए उससे भी बदतर हालात हो रहे हैं जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? कुलदीप देशवाल। अच्छा, देशवाल ही हैं आप, तो अब मुझे ये बताइए कि दो विधायक, एक पूर्व विधायक है एक अभी के जो विधायक है, दोनों वो भी देशवाल हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से देशवाल ने ज्यादा अच्छा काम किया? तो मैम ये है ना, जो हमारे हल्के का जितना भी बढ़िया सुधार, मैंने MLA बहुत से आए हैं देखे मेरी उसमें, जो सुधार जसवीर देशवाल ने हमारे हल्के का किया है मेरे ख्याल में किसी MLA ने नहीं किया, और उसकी रुचि भी है मतलब काम करवाने की हल्के में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो मेरे हिसाब से जसवीर देशवाल से ही सुधार हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि अब दोबारा से मौका मिल जाए जसवीर जी को, दोबारा से अगर वो विधायक बन जाते, फिर आप क्या आगे भविष्य में कैसा देख पा रहे हैं अपने आप? भविष्य में तो मैम इतने काम करवाए हैं पिछले उसमें, अब की बार तो और मतलब चाह रहे हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम हो हमारे हल्के में, सुधार हो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जसवीर देशवाल का टाइम पर तो सड़कें इतनी अच्छी थी, मतलब अभी तो घंटा लगा है पहले, बहुत टाइम लगा मतलब अभी तो घंटा लगा, पहले आध घंटा में पहुँच जाया कर दे जी। बहुत हमारे हल्के का सुधार जसवीर देशवाल ही कर सकता है मेरे हिसाब से और कोई। अच्छा, शुरू में जब मैंने इंटरव्यूज लेने शुरू किए थे, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस समय कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जसवीर जी सफीदों से नहीं है बल्कि सफीदों पूरा जसवीर जी से। हाँ जी, तो आप कितना एग्री करते हैं? मैं पूरा एग्री 100% करता हूँ, पूरा हल्का जसवीर जी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे और इन लोगों से आज बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आपने हमेशा जितेंद्र जी के साथ इस पूरी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर फ्रंट पे देखा होगा, और इन्हीं लोगों से आज हमने बात की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदरूनी जो चीज़ें होती है वो इन्हीं के द्वारा बताई जा सकती थी, और इसीलिए इस पूरी खास बातचीत का यही एक मुख्य उद्देश्य था। इस बातचीत के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी और खास अपडेट के साथ बहुत जल्द आप सबके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।